रुक करते हैं प्रदेश की ओर। स्कूल जा रहे नौ ननिहालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे एक खड्ड के पानी में यूनिफॉर्म पहने हुए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कृपया उनके गाँव को आवागमन के प्रति पुल की सुविधा से जोड़ा जाए, अन्यथा हम स्कूल से आते जाते पानी के बहाव में बह जाएंगे। स्कूली बच्चों का ये वायरल वीडियो सरियाली खड्ड का है, जिस पर पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। स्कूल से जा रहे ननिहालों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ बच्चे एक खड्ड के पानी में यूनिफॉर्म पहने हुए हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कृपया उनके गांव को आवागमन के प्रति पुल की सुविधा से जोड़ा जाए, अन्यथा हम स्कूल से आते जाते पानी के बहाव में बह जाएंगे। इस वायरल वीडियो की वास्तविकता को जानने के लिए जांच पड़ताल की तो सच्चाई सामने आई कि यह वायरल वीडियो जंडुता विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गरान के खमेड़ा गांव से संबंधित है। स्कूली बच्चों का यह वायरल वीडियो चरहाली खड्ड का है, जिस पर पुल नहीं होने के चलते ग्रामीणों व स्कूली बच्चों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। करीब 40-50 बच्चे सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 लेड़ा को पढ़ने जाते हैं। इस बारे में स्थानीय विधायक जे.आर. कटवाल से संपर्क किया ताकि समस्या का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निर्माण होगा। खमेड़ा व सीमावर्ती क्षेत्रों के करीब 10,000 जनता लाभान्वित हो सके। विधायक जे.आर. कटवाल ने कहा कि 70 वर्षों में तो खमेड़ा गांव को पुल बनाने की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि DPR तैयार करके ही प्रदेश सरकार से स्वीकृति मिलते ही पुल का निर्माण आरम्भ कर दिया जाएगा। सरियाली खड्ड पर खमेड़ा कला में पुल के बारे में जो कल एक सोशल मीडिया पे एक चर्चा आई है, उसके बारे में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों से कोई पुल के बारे में कोई ना चर्चा, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई योजना ऐसी बनी। मेरे विधायक बनने के बाद मैंने सर्वप्रथम विधायकों की प्राथमिकताओं के बारे में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ बैठक होती है, उसमें इस पुल के निर्माण के बारे में मैंने अपनी प्राथमिकता दी और इसको गवर्नमेंट के प्राथमिकता में डालकर इस पे काम शुरू करवाया। शुरू में इसमें जमीन की कुछ अड़चन रही, उसको हल करने के बाद इसकी 2,95,00,000 की DPR बना के 75 मीटर लंबा पुल की व्यवस्था की गई और वो ये एस्टिमेट और DPR सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। और इसमें इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगले वर्ष इस पे धरातल पर काम शुरू कर दिया जाएगा और सरकार की प्राथमिकता है। सरकार की प्राथमिकता के साथ साथ लोगों को जो एक असुविधा थी, ये मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने इसके बारे में चिंतन किया, गौर किया और उसके बाद उस पर कार्यवाही की। आज दिन तक इसके बारे में कभी न किसी राजनीतिज्ञ ने, न किसी सरकारी अमले में इस पुल के बारे में चर्चा तक न हुई। मैंने चर्चा के साथ साथ इसके ऊपर काम शुरू करवाया और इसकी DPR बना के इसको सरकार को प्रेषित की है। तो ये मैं मानता हूँ कि उनकी असुविधा जरूर है, परंतु जो मेरे वक्त की बात है, मैंने 1.5 वर्ष के अंदर ये किया है और अगले वर्ष इसका शिलान्यास करके काम शुरू करवाएंगे।